पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हे पवित्र आत्मा के सम्मान से शान से स्वर्ग के सम्मान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता जो अपने सच्चे बंधन के हृदय को अलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में है, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार की सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज आहार हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमसे परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी अब और अंत काल तक सदा रहेगी, आमेन। माता मरियम से प्रार्थना, तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने जरूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना कृत कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त और प्रतियोगियों के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रीस्त के द्वारा, आमेन। निवेदन और धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनको नौकरी मिली है, एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, वे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनका कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आया है। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जो कोविड 19 से अब छुटकारा पाए हैं। धन्यवाद देते हैं एक परिवार जिनको परमेश्वर माता मरियम की भरपूर कृपाएं मिली हैं। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जो बुखार से बीमार था, वो आपको चंगाई मिली है, धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ कुछ निवेदन हैं, माता मरियम के चरणों में हम रखते हैं। एक 49 वर्ष की एक औरत है जिनको कई बार चक्कर आती है और उनका हाई ब्लड प्रेशर है, उनको चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति को जो अब नौकरी ढूंढ रहे हैं। प्रार्थना करते हैं एक स्त्री के लिए जिनको पिछले बहुत सारे दिनों से जोरों का सर दर्द और नाक से खून बह रहा है। प्रार्थना करते हैं एक परिवार के लिए जिनके कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, कि उनको समाधान मिले जल्द से जल्द। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जो चर्च से दूर गया है, वो फिर एक बार अपने चर्च में लौट आए। प्रार्थना करते हैं एक स्त्री के लिए जिनको
सांस लेने की परेशानियां हैं और वैसे ही छाती में दर्द है, कि उनको जल्द चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं हम परिवार के लिए, जिस परिवार में 4 बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं। कुछ दिन पहले उनका माँ का देहांत हुआ है, तो हम प्रार्थना करते हैं इस परिवार को परमेश्वर धैर्य दे और इस दुख में, इस संकट में उनका सहारा माता मरियम बने। हम प्रार्थना करते हैं एक 26 वर्ष लड़की के लिए जो एक लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे हैं, एक साथी के लिए ढूंढ रहे हैं, कि उनको अच्छा साथी मिले। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति को जिनको COVID-19 हो चुका है, कि उनको चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं एक परिवार में कुछ समस्या है, खास करके मैरिटल रिलेशंस सही नहीं है, कि वो जल्द से जल्द सही हो जाए। और इसी के साथ हम अपने निवेदन भी माता मरियम के चरणों में रखते हैं, खास कर कि इस पैंडमिक से सभी लोगों को छुटकारा मिले, पूरे विश्व भर में फैली ये जो बीमारी है उसे जल्द से जल्द छुटकारा मिले, वैक्सीन जल्द से जल्द निकले ताकि बहुत सारे लोग बच सकें। और इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम हमारे सभी निवेदन को स्वीकार करेगी और परमेश्वर के साथ के द्वारा हमें इस प्रकार से वरदान देगी। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर, हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं, तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे, हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर, हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ओ संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय, आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासहीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारे की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वे हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं, हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं
जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमेन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस दो दिन पहले एक युवक मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे बहुत सारी परेशानियां हैं, ये मुसीबत है, मैं नौकरी खो बैठा हूँ, घर पर सब लोग बीमार हैं, कष्ट है, दुख है, खाने के लिए हम मोहताज हैं। तो मैंने उनसे कहा, परमेश्वर को आपने धन्यवाद दिया है कि नहीं? वो कहने लगे कि धन्यवाद क्यों देना चाहिए, परेशानी में तो मैं हूँ, परमेश्वर कुछ करता नहीं है हमारे लिए। तो मैंने उनसे कहा कि बहुत बार हमें
लगता है कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है, लगता है कि परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना नहीं सुनेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस बीमारी की वजह हो या एक कष्ट से हम गुजर रहे हैं, कई बार ये हमारा ही फल का नतीजा है। हम जो करते हैं हमको भुगतना पड़ता है, और इस प्रकार से हम जो करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पर आज हम विचार विमर्श करें। परमेश्वर को हम धन्यवाद देने के लिए भूलते हैं। कितने बार हमें एहसास हुआ कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं जानते कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में इतना सब कुछ करते हुए भी हम उनको धन्यवाद देने के लिए भूलते हैं। अभी तरह देखिए कि इन दिनों में बहुत सारे लोगों को सांस लेने के लिए मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उनको कोविड की बीमारी लग गई और कोविड की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था, तो उनको अस्पताल में लेकर गए और अस्पताल में उनको ऑक्सीजन दिया गया। तो एक व्यक्ति कहता था कि मैं अस्पताल जाने के पश्चात मुझे पता चला, जहाँ पर मुझे ऑक्सीजन पर रखा गया, तो उस वक्त मेरे मन में यह ख्याल आया कि कितने बार हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है कि सालों साल मैं सांस लेता हूँ और सांस लेता रहता हूँ, ऑक्सीजन इस वायु में है और ये हमें मुफ्त दिया गया है, और अब जब मैं खुद ऑक्सीजन पर लगा हूँ तभी मुझे याद आ रहा है कि परमेश्वर ने ये वरदान मुझे दिया था। ऑक्सीजन का प्रमाण इस बीमारी की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, और इसलिए मुझे पता चला कि मैं भगवान को कभी धन्यवाद नहीं दिया कि भगवान तूने इतनी अच्छी सृष्टि मेरे लिए निर्माण की है, जहाँ पर मुझे ये ऑक्सीजन मिलता है, और हमने आपको धन्यवाद नहीं देते हुए इस ऑक्सीजन को ही हमने बिगाड़ दिया है। हमारे कर्तव्य द्वारा, हमारे कार्य द्वारा, जो हमें करना था वो न करते हुए, जो हमारा कर्तव्य था वो न करते हुए हमने इस संसार को बिगाड़ दिया है, और हमने इसमें प्रदूषण, दूषित हवा कर दी है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? हमको ही जाता है कि जो शीतल जल प्रभु ने हमको दिया, जो एक अच्छा वातावरण हमको दिया है, पर्यावरण दिया है, उसके बारे में हम लोगों ने कभी ख्याल ही नहीं किया, और उसके बाद में हम परमेश्वर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर तूने क्या किया है, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वाक्य रूप से अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने हमको ये सृष्टि दी है ताकि हम इसकी अच्छी देखरेख करें, और फिर हमने इसको बिगाड़ दिया है, हमने शीतल जल बहते हुए पानी में फैक्ट्रियों की गंदगी डाल दी है, केमिकल्स डाल दिया है, मछलियां मर रही हैं, और बाद में हम कहते हैं कि देखो जल कितना दूषित हुआ है, परमेश्वर कुछ नहीं करते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, परमेश्वर कुछ नहीं करता है। परमेश्वर ने इस सुंदर हवा दिए हैं, पेड़ दिए हैं, पौधे दिए हैं, ताकि इस पौधे द्वारा इस सृष्टि का जो भी संतुलन है वो संतुलन रहे, ऑक्सीजन का जो प्रमाण है वो हमेशा रहे। ये मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने संतुलन को बिगाड़ दिया है। फैक्ट्रीज खोले, बहुत सारे प्रदूषण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ये वैसे नहीं बढ़ा है, हम ने इस प्रदूषण को बढ़ाया है, परमेश्वर ने नहीं बढ़ाया। परमेश्वर ने तो हमें साफ हवा दी थी, साथ पेड़ पौधे ये सब दिया था, हम लोग ने उसको बिगाड़ दिया है। हम संतुलन को बिगाड़ते हैं, बीमार हो जाते हैं, उसके बाद में हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है।
परमेश्वर को हम दोषी ठहराते हैं, वो कहते हैं कि नहीं उन्हें परमेश्वर ने अभी हमको बचाना चाहिए। बचाएं तो कैसे बचाएं? जो वस्तु आपके हाथों में दी, जो हमारे हाथों में दी थी कि हम उसको अच्छी तरह से देख लें, उसको ही अगर हमने बिगाड़ दिया है तो हम परमेश्वर से उम्मीदें क्या रख सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक स्वातंत्र दिया था। जब इंसान को एक स्वातंत्र जी जाता है, फ्री विल जैसे हम कहते हैं, वो अच्छा का भी चुनाव कर सकते हैं या बुरा का चुनाव कर सकते हैं। और वाकई इंसान ने हमेशा बुरा का ही मार्ग चुन लिया है। बारंबार परमेश्वर ने हमसे कहा कि ये सही नहीं है, जिस प्रकार से आप जा रहे हैं वो आपको मौत के घाट तक ले जा रहेगा। और इस पर हमने कभी मनन चिंतन नहीं किया, आज भी हम नहीं कर रहे हैं। आज भी कोई नहीं सोचता है कि पर्यावरण बिगाड़ता जा रहा है और इसके बारे में थोड़े लोग सोचते हैं, थोड़ों का ही विचार है। आज भी हमारे मन में ऐसा है कि जितने भी आप गंदगी कर लो तो बहते हुए पानी में ये सब बह जाएगा, जाएगा तो कहाँ जाएगा। हम नदियों को बिगाड़ देते हैं, कहते हैं कि नदियाँ सब हमारा जो गंदी है घी है लेकर जाएंगे सागर में समुन्द्र में। सही बात है, सागर और समुन्द्र में यह सब कचरा ज़्यादा जाता है। कितने प्लास्टिक आजकल हमें मछलियों के पेट में मिलता है, क्यों? क्योंकि ये मछलियां खाती है उनको, ये सोचते हो कि जेलीफिश है तो खा लेते हैं और यही चीज़ उनके पेट में गया वो मछली मर जाती है। कितने बार हम लोग ने बड़े बड़े मछलियों को, वेल्स को, समुंदर के किनारे में आकर उनका जो शरीर है इस प्रकार से जो कारकस है देखा कि वो पड़ा हुआ है और पता चलता है कि बहुत तो इसलिए हुआ है क्योंकि दूषित बन गया है पानी। पानी के अंदर केमिकल्स आकर मछलियों ने उसको ले लिया है और वो मर गए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस काल में हमें परमेश्वर को दूषित ठहराना नहीं है, क्योंकि अगर हम अपना कर्तव्य नहीं करते हैं तो परमेश्वर को हम दूषित कैसे ठहराएंगे? ये जो युवक था वो दूषित ठहराता रहा था कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं किया है, और इसलिए मैं उनसे कह रहा कि नहीं, ये बात गलत है, आप परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए भूल गए हैं। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर को, माता मरियम को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें ये सृष्टि दी है, इसकी देखरेख करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम यह ना सोचें कि मेरे एक प्लास्टिक फेंकने से कचरे के डब्बे में या कचरा पानी के अंदर उसका क्या परिमाण हो सकता है, ये कभी हमने सोचा नहीं है। लेकिन ऐसे करने से, मेरे एक सोच से भी बहुत कुछ परिणाम हो सकता है। अगर मेरे सोच को मैं बदल देता हूँ तो ये पानी दूषित नहीं होगा। अगर मैं सोचता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमाण कम करना है तो मुझ पर है कि मैं पौधे लगाऊं, पेड़ लगाऊं, वो मेरे ऊपर है। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे हाथों में औजार दिए हैं, हमें दिया है कि कैसे करना है, कैसे संतुलन कर रखना है, ये हमारे दिमाग में डाला है, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं। आज विशेष प्रकार से परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि यदि ये बीमारी आज भी है तो इसका कारण परमेश्वर नहीं है, हम ही हैं। और आज हमें ये बतला रहा है कि परमेश्वर कि मेरे दोस्तों, मैंने आपके हाथों में ये सृष्टि दी थी, आपने इस सृष्टि को बिगाड़ दिया है और इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई कुछ कर सकता है वो आप ही कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, मिलकर कर सकते हैं। इस निर्णय को लेकर हम प्रार्थना करें परमेश्वर के, परमेश्वर हमें शक्ति दे ताकि हमारे दिमाग में ये सोच उत्पन्न हो, हम अपनी गलतियों का एहसास करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी है उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुमारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी हैं। हे प्रभु,
हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दया असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो और अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आपके आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थी द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। आमीन।
तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमेन।
धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रथापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।